हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अराइज़र टैलेंट एंड ऑनलाइन लर्निंग टू शेप द फ्यूचर द अमेजिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहली अपडेट जो सीबीएसई की तरफ से आ चुकी है। 26 अप्रैल को टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं और टर्म 1 का रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। सो, आप लोग अपने टर्म 2 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। रिविजन कोर्स स्टार्ट हो चुका है अराइज़र टैलेंट के पोर्टल्स पर, एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर। उदय बैच और लक्ष्य बैच ऑनगोइंग बैचेज है। सो, जल्दी से जाके खुद को एनरोल कर लो और अराइज़र टैलेंट के बेहतरीन फैकल्टीज, माइंड ब्लोइंग फैकल्टीज जो आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा रहे हैं, जल्दी से अभी एनरोल कर लो। सभी लोग जाकर अराइज़र टैलेंट के चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम के इस सीजन में अब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है कि अपना कोर्स किस तरीके से ख़त्म किया जाए। सो, समय बचा है कम और एग्जाम आ चुका है। सो, आज हम बात करेंगे 5 वेज टू स्टडी स्मार्ट, कि स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडीज को जल्दी जल्दी किस तरीके से खत्म किया जाए, बैकलॉग किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। सो, चेक इट आउट आवर टॉपिक 5 वेज टू स्टडी स्मार्ट। सो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको फोकस करना चाहिए वो ये कि जो भी आप पढ़ाई करते हो वो नोट डाउन करो पेन के साथ। अगर आप कोई वर्चुअल मीडियम यूज करते हो पढ़ाई करने के लिए, कोई फिजिकल डिवाइस यूज करते हो, तो कभी भी अपने टास्क को, कभी भी अपने नोट्स को कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर नोट डाउन मत करो। अगर आप पेन के साथ अपने नोटबुक्स में यूज करेंगे तो आपको, आपका जो माइंड है वो उसको ज़्यादा अच्छे से कैच करेगा। आप कोई भी चीज़ अगर लिख कर करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, बिकॉज कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन इज नॉट ए सेफ और सिक्योर मीडियम। सो, आपके नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको हमेशा रजिस्टर नोटबुक में पेन के साथ यूज करें। सो, हमारा पहला पॉइंट यही था कि नोट डाउन विथ पेन। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है कि हमें जो भी पढ़ना है वो लाउडली स्पीक कर पढ़ना है। अगर हम लाउडली कोई भी चीज बोलकर पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, तो हमें ज़्यादा वक्त तक याद रहती है। आप खुद ही इस चीज़ का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ को स्लोली स्लोली पढ़ेंगे तो ना वो आपके कानों तक, आप वॉइस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट इसका एक एग्जांपल है। वॉइस हमारे पास हमारे ईयर्स में वापस आती है, जो हमारे माइंड की तरफ वो रेस जाती है, तो जो वेव्स हैं वो हमारे पास कंप्लीटली हमें मेमोराइज करने में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये दो पॉइंट तो बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं। पहला, पेन के साथ नोट डाउन करना है अपने नोट्स को, और दूसरा, थोड़ा लाउडली आप पढ़ाई करने का कोशिश करिए। धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे तो ये स्मार्ट स्टडी के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तीसरा हमारा पॉइंट है ये कि आप मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत बनिए। हमने बहुत बार सुना होगा कि लाइफ में हमें मल्टीटास्कर होना चाहिए, बट स्टडीज में नहीं, आप बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग मत बनिए। क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग बनेंगे, आप स्टडी के साथ अगर टीवी देख रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं या आप कुछ खाना खा रहे हैं, आप ये सब मत करिए। अगर आप कंप्लीटली फोकस होकर पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको थर्ड पॉइंट बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, नेवर बी मल्टीटास्किंग। आप सिर्फ एक समय पर आप एक काम ही करिए। चौथी हमारी चीज है, यूज करिए डिफरेंट वे ऑफ एजुकेशन। आज के समय में जैसे अराइज़र टैलेंट का प्लेटफॉर्म है, एक डिफरेंट वे है एजुकेशन का। आप दो तरीके इसमें अपना सकते हैं, या तो वो तरीका होगा कोई विजुअल मीडियम या वो तरीका होगा कोई ऑडियो मीडियम। विजुअल मीडियम में आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल, पोर्टल्स या आप जो भी इंस्टीट्यूट का आप फॉलो करते हैं उससे पढ़ाई करिए। दूसरा तरीका, आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़े स्टोरी बेस्ड होते हैं, जैसे हिंदी में रीडर वाला पार्ट हो गया, अगर आप चाहते हैं तो उसको ऑडियो फॉर्म में भी आप लर्न कर सकते हैं। तो आप उसका टाइम जो मैनेजमेंट करते हैं वो इस तरीके से करिए कि दोनों मीडियम के थ्रू आप अच्छे से स्टडी कर पाएं। इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे अगर मैं एक शब्द बोलता हूँ या लिखता हूँ हाथी, तो शायद मुझे उतना अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं हाथी बोलता हूँ और अगर मैं उसको देखता हूँ तो हाथी बोलने पर आपके दिमाग में एक वर्ड आता है या आपको हाथी की एक इमेज फॉर्म होती है। तो विजुअल मीडियम हमें याद रहता है। मूवीज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मूवी की स्टोरी हमें हमेशा याद रहती है। अगर हमने DDLJ मूवी देखी है, हमने शायद वो 10 साल पहले देखी है, लेकिन उसकी स्टोरी हमें आज तक पता है, क्योंकि वो एक विजुअल मीडियम था। इसी तरीके से ऑडियो मीडियम भी इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये कि अपने चैप्टर्स को रिवाइज करिए, अपने चैप्टर का रिविजन करिए। अगर आप सिर्फ आगे 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 पढ़ते चले जाएंगे और अपने पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करेंगे
तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिविजन टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम अपने नए चैप्टर्स ना करके पुराने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों, आज आपके लिए ये हमारा एक जस्ट एक टिप थी आप सभी के लिए, एग्जाम में बहुत काम आएगी, 5 ways to study smart। कल हमारा एक और वीडियो आपके लिए, छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स अराइजर टैलेंट के चैनल पर आती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून अराइजर टैलेंट चैनल, लाइक कर दीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।